आज की इस कामयाब तरीन मीटिंग पर आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खराज तहसील भी पेश करता हूँ। इस तरह मैं देख रहा हूँ अल्लाह के फजल से आपके चमकते माथे और चेहरे, आपका जोश, आपका वलवला, ये इस बात की गवाही है कि अल्लाह के फजल करम से 8 तारीख को आप अल्लाह के फजल करम से कामयाब हो जाएंगे। 8 तारीख को आपने एक एक वोट को निकालना है। अगर आप जब तक वोट, ये जोश जज्बा उस वक्त काम आएगा जब आप एक एक वोट को बेल्ट बॉक्स के अंदर डाल देंगे। जब तक वोट बेल्ट बॉक्स के अंदर नहीं जाता उसके अंदर वोट नहीं होता। कोई मेरी आपसे गुजारिश होगी कि बड़े अच्छे सारे साथी आपने झुंडे इस तरह लगाए कि पूरे आपके जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी माओ बहनों बेटियों को और खासतौर बुजुर्गों को साथ ले जाकर आपने वोट कास्ट करें और इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को आपकी अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी जीत होगी। फिर आपका वजीर आजम होगा, आपका वजीर आला होगा, आपकी मकामी हुकूमत होगी। फिर इंशाअल्लाह ताला हम आपके पास इधर फिर आएंगे, फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपके कौन कौन से काम है। आपके बिजली के मामलात, गैस के मामलात, यहाँ पर बाकी जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला उनको आपकी मशावरत के साथ इंशाअल्लाह ताला हम उनको हल करेंगे। जिस तरह के तुसी जानते हो कि पिछला 4 साल का दौर बरसाती ने, इंतशारी ने मुल्क के अंदर फसाद फैला के रखा, इंतशार फैला के रखा, झूठे वादे लोगों नाल कीते, 1 करोड़ नौकरियां का वादा किया, 50 लाख मकाना का वादा किया, और अपनी ईमानदारी नाल दसो किसी एक नूं भी नौकरी मिली, किसी एक गरीब नूं भी मकान मिलिया? इस फरेबी ने, इस झूठे ने, इस इंतशारी ने, इस फसादी ने मुल्क नूं तबाह करने की कोशिश की और अपनी तकरीरां च बार बार जिक्र किया कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जा रहा है। और यकीन करो पाकिस्तान ते अल्लाह ताला दी खुदा दी खास करम नवाजी है।
پاکستان کدی بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا جب تک میاں محمد نواز شریف اس ملک کی خدمت کر رہا ہے جب تک اکرم انصاری اس حلقے کی خدمت کر رہا ہے جب تک خواجہ رضوان تڑے درمیان تڑا دو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے پاکستان ہمیشہ ترقی کرے گا اور میں آخر تمام دوستوں میں کہنا چاہنا وا اسی جذبے نال اسی محبت نال 8 فروری والے دن تسی صبح اٹھدیا پہلا کام یہ کرنا میں کہ اپنے گھر دیا خواتین لے کے اپنے بچوں لے کے خود اورنگ اسٹیشن جانا میں آپ کو پتا ہے کہ وقت بہت پنجابی جی چلے میں بھی دیکھو وقت بڑا کم رہ گیا اسی انشاءاللہ تعالی یہ چیز جس طرح اسی دھوبی گھاٹ کی سب نے ثابت کیتا اور میری کمیونٹی میرے کرسچن بھراوا نے بھی اپنا رول بہت بڑا ادا کیتا اور اللہ جانتا ہے میاں صاحب بہت خوش ہو گئے ہیں اور کمیونٹی کا پرچا ملا نے خود رو کرنا وائٹ کلر سے واضح دھوبی گھاٹ کے وچ لہرا رہا سی شکل شام نو جتن تو بعد اختیار کر رہی ہے